आज मिलाएंगे मिलाई के मक्खन में एक ऐसी स्पेशल चीज जिसकी वजह से जो हमारा देसी घी है उसकी जो क्वांटिटी है घी निकालते वक्त मक्खन से वो दुगनी भी हो सकती है। दोस्तों ये स्पेशल चीज जो आपके घर के मक्खन से एक बार मिल जाए तो आपका इतना बढ़िया और इतना ढेर सारा घी निकाल दे कि आप कहेंगे कि भाई वाह आज तो बहुत ही बढ़िया और ढेर सारा घी निकल गया है। दोस्तों इसके लिए मैंने थोड़ी सी घर पे लगभग सिर्फ 4 से 5 दिन की ही मलाई ले ली है जो घर पे बचा के रखी थी और हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर हाथ की मदद से आप इसमें फटाफट से मक्खन निकाल लीजिए। मैं हैंड ब्लेंडर का इसलिए अक्सर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जो 10 मिनट का काम है वो मात्र 2 ही मिनट में हो जाता है। अभी आप देखेंगे कितनी जल्दी इस मलाई को गाढ़ा होता देखेंगे और उसके बाद फटाफट से दूध छोड़ के व्हिपिंग क्रीम सी और फिर मक्खन सी बन जाएगी। तो बस फटाफट झटपट से मैं इसमें से मक्खन निकाल लेता हूं। आपको देखना है देखिए कि कैसे मलाई में से फटाफट से मक्खन निकल जाएगा। ये पहले मलाई थोड़ी गाढ़ी हुई, गाढ़ी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हुई और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से जैसे कि केक के ऊपर की व्हिपिंग क्रीम होती है उस व्हिपिंग क्रीम की तरह हो गई है। दोस्तों अब इसमें फटाफट से ये जो मलाई है ये दूध छोड़ देगी। तो आज जो हम स्पेशल एक इंग्रेडिएंट मिलाने जा रहे हैं उससे आप यकीन मानिएगा मेरी अक्सर घर में मलाई से निकलने वाली घी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ढेर सारा घी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों ये गाढ़ा हो गया है और झटपट अब दूध छोड़ देगा और हमारा मक्खन निकल जाएगा। अब आपके मन में सवाल बार बार आ रहा होगा कि हम कुछ क्यों मिला रहे हैं, इससे तो कहीं घी की प्योरिटी ना कम हो जाए, कहीं जो चीज़ हम मिला रहे हैं उसकी वजह से हमारा घी ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और क्या होगा जिसकी वजह से घी हमें ज़्यादा मिलता है वो भी मैं कंप्लीट प्रक्रिया आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा मक्खन निकल गया है अब फटाफट से बस इसको चलाते चलाते ख़त्म कर देते हैं और इसमें से अब मक्खन को अलग कर लेते हैं। तो मैंने अब इस ब्लेंडर को बस कर देना है बंद और इसमें से फटाफट से जितना भी मक्खन चिपका हुआ है वो भी छुटवा लेता हूँ। अब इस मक्खन में हमें आपके लिए अगर आप मक्खन ही रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और अगर घी निकालना चाहते हैं तो चलिए आइए बताता हूँ। फटाफट से इस मक्खन को अब आपने अलग कर लेना है और दूध आपका अलग हो गया। जो आप इस्तेमाल करना चाहें तो किसी काम में लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं तो अक्सर इसको इस्तेमाल में नहीं लाता हूँ लेकिन मर्ज़ी है। अब इस मक्खन को आपको अच्छे से दूध इसमें से भी छाँट लेना है, इसको बढ़िया से आपको ऐसे निकाल लेना है और फटाफट से उसके बाद एक पैन में डाल लीजिए जहाँ इसका घी बनके तैयार होगा। देख सकते हैं कितने कम मलाई थी और कितना सा हमारा मक्खन निकला है, सिर्फ इतना ही मक्खन है आज हमारे पास। लेकिन जब आप घी देखेंगे तो आप कहेंगे यार घी तो ढेर सारा अच्छा निकल गया है, इसका मतलब मिनिमम वेस्टेज है। तो चलिए आइए इसे फटाफट से अब रख लेते हैं गैस पर और अब वो जो स्पेशल चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा था वो फटाफट से इसमें मिला लेते हैं हल्का सा पिघलते ही। दोस्तों हम इसमें लगभग डालेंगे 2 से 3 चम्मच आटा। अब आप कहेंगे यार आटे से घी का क्या रिलेशन, तो चलिए आपको बताता हूँ। जब भी अब हम इस मक्खन को गर्म करते हैं तो इसमें से खुरचन निकलता है। क्या होता है वो खुरचन ढेर सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर उस खुरचन के साथ आटा मिल जाता है तो जो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खुरचन में जो घी रह जाता था वो अब छोड़ दिया करेगा और उसकी वजह से हमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, जो घी पिघलने के बाद एक नीचे इसका वेस्ट निकलता है वो कुछ घी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब उस वेस्ट में थोड़ा सा आटा मिक्स हो जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर यानी कि क्षमता घी को सोख लेने की कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा घी को छोड़ता है और घी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ इतने थोड़े से मक्खन से कितना ज़्यादा घी निकला है हमारे को और आपको फिर लगेगा भी कि हाँ बात तो बढ़िया बताई है। और ये देखिए फटाफट से कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है। अब बस हमारा घी लगभग बन चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी झाग आ चुकी है, अच्छा एक उबाल आ चुका है। तो फटाफट से बस हम आधे ही मिनट में गैस को बंद करने वाले हैं और गैस को बंद करने की पहचान ये होती है कि आटा जो है और खुरचन जो है वो ब्राउन कलर का थोड़ा सा काला कलर का पड़ने लगता है, इसका मतलब वो अच्छे से पक चुका है और अपना अच्छे से घी छोड़ चुका है और उसमें हिम्मत या क्षमता नहीं बची है घी को छोड़ने की। तो गैस कर दिया है बंद और अब कुछ इस तरीके से धीरे धीरे झाग जो है वो सेटल डाउन होएगी और आपको हमारा घी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट नॉर्मल होते ही इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी क्वांटिटी घी निकली है। मात्र 4-5 दिन के ही घी में मलाई में इतना घी निकल जाए तो ये तो हो जाता है दोस्तों सोने पे सुहागा। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। डिलीशियस फूड फिर से लौटेगा और थोड़ा बहुत जो खुरचन बचा है जिसमें आटा मिक्स था उसे भी दबा के अच्छे से आप घी निकाल लीजिए, घी की मिनिमम वेस्टेज होगी।
तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली बहुत ही बढ़िया रेसिपी के ऊपर, जो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ हमने ब्रेड की बनाई है। आज बनाएंगे ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी जो शायद हर कोई बनाना जानता तो होगा, लेकिन आज के हमारे बताए तरीके में कुछ यूनिक और नया होने वाला है, जिसका हम कभी भी ब्रेड बनाते वक्त ख्याल नहीं रखते। आज हम आपको इस ब्रेड की वीडियो में कुछ ऐसी नई चीज़ें ऐड ऑन करके देने वाले हैं, जिससे आप एक बार इस तरीके की ब्रेड बना लेंगे हमारे वाले तरीके से, तो आप इस ब्रेड को बार बार चखना खा चाहेंगे। इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लेना है। अब आपको आगे धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि इस वीडियो में यूनिकनेस क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमने 4-5 चम्मच ले लिया बेसन और उसमें डालना है हमें पानी और एक घोल बनाना है। तो सबसे पहले यूनिकनेस है, इसका जो घोल होगा वो एकदम पतला होगा, एकदम जो स्लरी होगी वो बहुत थिन होगी, बिल्कुल गाढ़ी स्लरी नहीं होनी चाहिए। ये पहली टिप है इस वीडियो के। दूसरी, जो प्याज हम चॉप करके डालें वो बेहद ही ज़्यादा छोटे हों, नहीं तो ये ब्रेड से उखड़ के गिर जाते हैं। आगे और चीज़ें बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हमने प्याज के साथ थोड़ा से टमाटर ऐड कर लिए हैं, थोड़ा सा हम धनिया, हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी सी चॉप की हुई चिलीज भी ऐड करेंगे, यानी कि हरी मिर्ची। अब इस स्लरी का ध्यान दें कि स्लरी एकदम पतली हो और वेजिस से एकदम दमादम हमारा ये बाउल भरा हो जिसमें हम ये स्लरी बना रहे हैं। अब दोस्तों हमने क्या करना है, स्लरी को अच्छे से मिक्स करके इसमें स्पाइसेस डालने हैं। सबसे पहले इसमें जो नमक डलेगा वो थोड़ा डलेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हल्की सी लाल मिर्च, जो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर कलर देगी हल्दी के साथ मिलके, इसलिए हम थोड़ी हल्दी भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शनल 2-3 मसाले आप ऐड कर सकते हैं, किचन किंग हो आपके पास, गरम मसाला हो, धनिया पाउडर हो, मैगी मसाला हो, जो भी आपका स्वाद हो, आपको पसंद हो, वो स्पाइसेस में डाल लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पतली स्लरी बना ली, हल्का सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं और स्लरी को थोड़ा पतला और कर सकते हैं। आप दूसरी तरफ एक पैन को रख लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, इस रेसिपी को आप पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी, तवे पे भी मज़ा आता है, लेकिन पैन में ऐसा जो थोड़ा उठा हुआ होता है उसमें बहुत ही बढ़िया यूनिक बन के तैयार होती है। थोड़ी सी देसी घी से ऑयलिंग करें, सबसे बड़ी चीज़ इसको देसी घी से बनाइए, ऑयल में नहीं, देसी घी में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। अब अपनी ब्रेड को डिप करके वेजीज को एक साइड पे, एक पोर्शन पे अच्छे से लगाएं और जो पतली स्लरी है उसको इस तरीके से लगाएं कि वो अच्छे से अंदर रम जाए ब्रेड के। ये देखिए, अब हमने जैसे स्लरी अच्छे से लगा दी है तो हमारी जो वेजीज हैं वो उतरती चढ़ती रहेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे एंड में जब तवे पे पहुंचा देंगे अपनी ब्रेड को, तो थोड़ी सी स्लरी में से हम निकाल लेंगे वेजीज और वो भी थोड़ी सी इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, ऑप्शनल है, जो भी स्लरी में आपको वेजीज पसंद हो वो लगा लीजिए, आप चाहें तो इसके ऊपर कॉर्न्स भी लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक साइड से अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दीजिए। जब हमने इसे हाथ से दबाया ना, तो अपनी उंगलियों को गीला करके रखिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो प्याज टमाटर हैं पलटते वक्त तवे पे नहीं चिपकेंगे, वो आपकी ब्रेड से चिपके रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट थी। अब हम जब पलटा रहे हैं और जब वापस सीधा करेंगे तो हमारा हाथ गीला था दबाते वक्त हमारे वेजीज को, अब हम इसको जब वापस सीधा करेंगे तो अच्छे से चिपक चुके होंगे। ये देखिए, तो ऐसी गलतियां आप भी कभी मत करिएगा और इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना मज़ेदार बनता है खाने के वक्त, ना ज़्यादा आपने मोटी कोटिंग करी मैदे की बेसन की और ना आपको ज़्यादा मुंह में वो चीज़ें गई। तो ये देखिए, अब आपने इसको अच्छे से सीधा करना है, ये इतना बढ़िया ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप बन के तैयार होता है, स्वादिष्ट लगता है, मज़ेदार भी लगता है। साइड को पलट लीजिए, ये देखिए कितना अल्टीमेट बन के तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, इसको तो फटाफट एक प्लेट में निकाल लीजिए, केचप डाल के हमने रखा था थोड़ा सा प्लेट में, एक और पीस आपको बना के दिखाते हैं ताकि आपसे कोई ट्रिक मिस ना हो। ब्रेड को फिर से गीला कीजिए, स्लरी जितनी पतली होगी उतना अच्छे से अंदर घुस जाएगी और उसके बाद वेजीज को ऊपर रखिए, अगर अभी भी कुछ कम रह गई हैं तो तवे पे जाने के बाद फटाफट से फिर से अपनी वेजीज को ले आइए। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमने तैयार कर दिया है। अब दोस्तों फिर से आप गीले हाथ से हल्के से इसको दबाएं ताकि ये ब्रेड पे अच्छे से चिपका रहे, बस ये परफेक्ट काम हो गया। अब ये प्याज टमाटर इस ब्रेड से चिपक जाएंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई, इसको भी पलट देते हैं और जो गीला हाथ से हमने दबाया था वो, उससे अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्याज और टमाटर हमारे ब्रेड से ही चिपके रहे, भाई वाह। तो अब इसको फटाफट से हम ले जाते हैं पलट के बाद अपनी प्लेट में। कैसा लगा ये बढ़िया ब्रेड सैंडविच, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बेहद ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है मुझे, मैं जब भी खाता हूँ मुझे दीवाना बना लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, मन करता है खाते ही जाऊँ ये बढ़िया सा सैंडविच।
दोस्तों अगर आपको डिलीशियस फूड का ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें।